सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि श्रेक मॉनिटरिंग टीम और रिजर्व टीम मिसिज यो के साथ जिंगलो एम्परर के आर्मी कैंप पर गए थे। वहां एक सैनिक ने उन्हें मैप दिखाया था जिस पर डेथ मैसेंजर के डाकों के ठिकाने का निशान था। उसने उन्हें ये भी बताया था कि वहां 300 से भी ज्यादा डाकू थे। मिसिज यो मॉनिटरिंग टीम को लेकर मिंगडो माउंटेन्स में चली गई थी। वहां उन्हें डाकों की केव के बारे में पता चल गया था। शियाओ ताओ और उसकी टीम ने उन पर अटैक कर दिया था। मिसिज यो रिजर्व टीम के साथ केव में चली गई थी। फिर अब हम देखते हैं कि मिसिज यो रिजर्व टीम को लेकर आगे बढ़ रही होती है। रास्ते में उन्हें काफी डेड बॉडीज मिलती है। उन्हें देखकर जियो और जियांग काफी घबरा जाते हैं। वहां बहुत सारे इंसानों को मारकर उनकी डेड बॉडीज को लटकाया हुआ था। उन्हें देखकर वांग डोंग, जियो, जियांग और संशी की हालत खराब हो जाती है और उन्हें उल्टी आने लगती है। बेबे कहता है कि उन डाकुओं ने बहुत सारे मासूम लोगों को मारकर उनकी डेड बॉडीज को यहाँ लटका दिया। वो सच में बहुत क्रूअल है। मिसिज यो कहती है कि तुम सही कह रहे हो, पर हमें घबराना नहीं है। हमें उन क्रूअल डाकुओं को मारने की जरूरत है, वरना वो इसी तरह मासूम लोगों को मारते रहेंगे। वो सब आगे बढ़ जाते हैं। केव के अंदर रेगुलर टीम उन डाकुओं से फाइट कर रही थी। शियाओ ताओ अपनी फिनिक्स फायर लाइन से उन पर अटैक करती है, जिससे हर तरफ आग लग जाती है और बहुत सारे डाकू मारे जाते हैं। बचे हुए डाकू अपने लीडर के पास चले जाते हैं। वो डेथ मैसेंजर अपनी पावर एक्टिवेट करके रेगुलर टीम पर अटैक करने के लिए आता है। तभी मिसिज जो वहाँ जाती है, वो रिजर्व टीम से कहती है कि सब साथ मिलकर उन पर अटैक करो और कोई भी बचकर भागना नहीं चाहिए। वो सब मिलकर उन पर अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं। एक डाकू युवाओं पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो सोल शॉक देकर उसे दूर गिरा देता है। शियाओ ताओ अपनी फिनिक्स विस्लिंग स्काई स्ट्राइक से डेथ मैसेंजर पर अटैक करती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और दोनों टीम्स के मेंबर्स दूसरे डाकुओं को भी खत्म कर देते हैं। मिसिज यो कहती है कि जैसा उस सैनिक ने बताया था कि डाकुओं का लीडर सोल किंग है, शायद ये वही था। और अब हमने इन सबको खत्म कर दिया है, तो अब लगभग सब ठीक हो गया है। लेकिन तभी उन सबको अपने आस पास इविल ऑरा महसूस होने लगता है, तो सब अलर्ट हो जाते हैं। अचानक उस डेथ मैसेंजर की डेड बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। वो डेथ मैसेंजर कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम सबको अपना गुलाम बना लूंगा। वो ये सब बातें छिप कर कह रहा था। उसे ढूंढने के लिए युवाओं अपनी मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे कैदों को उन डाकों की डेड बॉडीज पर लगे सोल गाइड एलिमेंटल बॉम्ब दिखाई देते हैं। वो सबको उन बॉम्ब के बारे में बताता है। तभी एक कॉप्स हाओ जुआन को पकड़ लेती है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसका आधा हाथ कट जाता है। गोंग यांग उसे बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है। तभी उसके पास भी एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। शीशी उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से गोंग यांग के दोनों पैर कट जाते हैं और शीशी भी घायल हो जाती है। जीफेंग का एक हाथ भी ब्लास्ट की वजह से टूट जाता है। ब्लास्ट से बचने के लिए सब अपनी मार्शल सोर और शील्ड का यूज करते हैं, पर उनकी शील्ड टूट जाती है, तो सब अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दूर भागते हैं। एक कॉप्स शियाओ ताओ का पैर पकड़ लेता है, पर वो अपने फिनिक्स फायर से उसे दूर कर देती है और शीशी को लेकर वहाँ से आगे बढ़ती है। उनके पीछे बहुत सारे कॉप्स आ रहे थे, जिनकी बॉडी पर सोल बॉम्ब लगे हुए थे। उन कॉप्स से बचने के लिए वो सब ब्रिज की दूसरी तरफ जाने लगते हैं। लुओ चेन जिफेंग को अपने साथ ब्रिज के दूसरी तरफ लेकर जा रही थी, लेकिन एक कॉप्स उसका पैर पकड़ लेता है, तो लुओ चेन जिफेंग को दूसरी तरफ धक्का मारकर आगे कर देती ताकि वो सेफ रहे। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और लुओ चेन को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी हो जुआन अपनी जायंट एप बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और उन कॉप्स को पकड़कर दूर फेंक देता है। वांग डोंग और युआओ लुओ चेन को ले जाते हैं। वाओ जुआन को भी वहाँ से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनता। वो ब्रिज के बीच में खड़ा हो जाता है और उन कॉप्स को रोकने लगता है, ताकि बाकी लोग सेफ रह सके। सारे कॉप्स उसके पास आते हैं और उनकी बॉडी पर लगे सोल बॉम्ब्स ब्लास्ट होने लगते हैं, जिससे आओ जुआन को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और उन कॉप्स को आगे नहीं बढ़ने देता। ये देखकर मिसिज यो और बाकी लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन आओ जुआन को पता चल गया था कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो सबको आखिरी बार अलविदा कहता है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो ब्रिज टूट जाता है और आओ जुआन उन कॉप्स के साथ नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे गिरने से पहले वो अपना पेच
ऊपर फेंक देता है और वो अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। युआव उस पेज को पकड़ लेता है और उसे देखकर रोने लगता है। उस पेज को देखकर उसे एडर जुआन की कही हुई बातें याद आती है कि इविल सोल मास्टर्स को रोकने का काम शेक मॉनिटरिंग ग्रुप का है और अपनी इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। इन सब बातों को याद करके युआव को बहुत गुस्सा आता है। हाओ जुआन की मौत का सब लोगों को बुरा लगता है और वो सब उदास हो जाते हैं। अचानक उनके पीछे से डेथ मैसेंजर आ जाता है और बहुत सारे कोस खाई से बाहर निकलकर वहां आने लगते हैं। डेथ मैसेंजर कहता है कि तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो पर मेरे सोल एलिमेंटल बॉम्ब से जिंदा नहीं बच पाओगे। वो सारे कोस उन पर अटैक करने के लिए आते हैं लेकिन तभी एडर जुआन अपने मैजिकल पाम से अटैक करके उन्हें खत्म कर देते हैं। डेथ मैसेंजर जियो के पीछे आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन एडर जुआन उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। उन्हें उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। डेथ मैसेंजर कहता है कि तुम एक ग्रेट सोल मास्टर हो, तुम्हारी शख्सियत ही बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इन सबको बचा पाओगे। वो अपने सोल डिवाइस पर बहुत सारे सोल बॉम्ब लगा देता है और वो सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। एडर जुआन अपने मैजिकल हैंड से एक शील्ड बनाकर उन ब्लास्ट फोर्स को रोकते हैं जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है पर वो उस फोर्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन इतनी देर में डेथ मैसेंजर युआव को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वांग डोंग को उसके बारे में पता चलता है और वो सबको इस बारे में बताता है। एडर जुआन मिसिज जो से कहते हैं कि तुम सब लोगों को ठीक करो और मैं युआव को बचाने जा रहा हूँ। वो अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करते हैं। उनकी मार्शल सोल एक लाटनी डिवाइन बुल था। उनकी बॉडी बिल्कुल एक बुल की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो तेजी से युआव को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उनकी मार्शल सोल को देखकर वो सब चौंक जाते हैं। फिर हम उस डेथ मैसेंजर को देखते हैं। वो युवाओं को लेकर वहाँ से दूर भाग रहा था। वो केव में बॉम्ब भी ब्लास्ट करता जा रहा था ताकि रास्ता बंद हो जाए और कोई उसके पीछे ना आ सके। उसने युवाओं को बेहोश किया हुआ था। कुछ वक्त बाद उसे होश आता है। वो सोचता है कि इसने मुझे पकड़ लिया, अब मैं इसे भागने नहीं दे सकता। लेकिन इसका ऑरा तियान मेंग और आइस ब्लू एम्परर स्कॉर्पियन से बिल्कुल अलग है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे पॉइजनस स्नेक्स मेरी बॉडी में घुस रहे हैं। क्या यही इविल सोल मास्टर की पावर होती है? इसने मुझे पकड़ा क्योंकि इसे भी मेरी सोल रिंग्स के बारे में पता नहीं चल पाया। इसने मुझे कमजोर समझ लिया है। अब इसका फायदा उठाकर मैं इस पर अटैक कर दूंगा लेकिन अभी मेरी पावर बहुत कमजोर है। अगर मैं एक अटैक से इसे नहीं मार पाया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। युआव तियान मेंग और बिंग बिंग से हेल्प मांगता है। तियान मेंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम इसे संभाल लेंगे। बिंग बिंग तुम्हारी बॉडी पर अपना कंट्रोल करेगी पर उसकी एबिलिटी पावरफुल है जिससे तुम्हारी सोल को चोट पहुंच सकती है। युआव कहता है कि तुम दोनों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी करके इस डेथ मैसेंजर को मार दो। बिंग बिंग कहती है कि तुम बहुत ब्रेव हो, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी इलेक्ट्रोलक्स अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस से बाहर आते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसे मैं संभाल सकता हूँ। डेथ मैसेंजर युवाओं को एक अरीना जैसी जगह पर लेकर आता है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उस अरीना के अंदर से बहुत सारे केज बाहर निकालता है जिसके अंदर गुलाम कॉप्स थे। डेथ मैसेंजर कहता है कि ये कॉप्स सीक्रेट मेथड से बनाए जाते हैं। इन्हें एलिक्सिर और सोल गाइड्स से पावर मिलती है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी मदद से मैं फिर से अपनी पहचान हासिल कर सकता हूँ। तभी केव हिलने लगती है जिससे डेथ मैसेंजर समझ जाता है कि एडर जुआन उसके करीब आ गए हैं। वो अपने सारे कोर्स को केस से बाहर निकाल देता है। वो कहता है कि 10 साल के बाद एक टाइटल डुलुओ भी हमें नहीं हरा पाएगा और उसे भी मेरे सामने अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। तभी इलेक्ट्रोलक्स कहते हैं कि मुझे दुख है कि तुम 10 साल तक जिंदा नहीं रह पाओगे। उनकी आवाज सुनकर डेथ मैसेंजर डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। इलेक्ट्रोलक्स युवाओं की बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं। इससे डर कर डेथ मैसेंजर युवाओं को छोड़कर दूर हो जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम भी इविल सोल मास्टर हो? इलेक्ट्रोलक्स पूछते हैं कि इविल सोल मास्टर क्या होता है? डेथ मैसेंजर कहता है कि इविल सोल मास्टर एक महान प्राणी होते हैं और मैं डेथ को रिप्रेजेंट करने वाला एक डेथ मैसेंजर हूँ। अगर तुम भी एक इविल सोल मास्टर हो
तो मुझे अपने बारे में बताओ। इलेक्ट्रोलस कहते हैं कि तुमने अभी सिर्फ नेक्रोमेंसी के बेसिक्स को सीखा है। तुम एक इंसान के फ्लेश और ब्लड को सेक्रीफाइस करके उसे एक कॉस्ट विजार्ड बनाते हो। इतनी सी चीज करके तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम अपने आप को एक डेथ मैसेंजर बुला रहे हो। डेथ मैसेंजर कहता है कि तुम किस नेक्रोमेंसी और कॉस्ट विजार्ड की बात कर रहे हो। मैं इन्हें नहीं जानता। मैं ग्रेट इविल सोल मास्टर हूँ। हमारे गॉड ऑफ डेथ की बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी इविल मार्शल सोल को एक्टिवेट करता है और उन सारे कॉप्स को कंट्रोल करने लगता है। वो सारे कॉप्स युवाओं पर अटैक करने के लिए आते हैं। इलेक्ट्रोलक्स अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं जिससे बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। वो कहते हैं कि गॉड ऑफ डेथ क्या है? क्या तुम मेरे सामने मजाक कर रहे हो? मुझे अपने पास की ज्यादा चीजें याद नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि अगर मैं चाहता तो अब तक गॉड ऑफ डेथ बन गया होता। इलेक्ट्रोलक्स की डिवाइन फॉर्म देखकर उस डेथ मैसेंजर की आंखों में डर पैदा हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।